भाई आज थार तो बताऊंगा, जब तुम अमेरिका की डोंकी मारते हो ना तो तुम्हारे साथ क्या होता है। जैसे सपोज करो, जैसे तैसे पहले पनामा के जंगल तो जाया करते जो भी, या फिर जो यूके था जो कर जाए ना, डायरेक्ट फ्लाइट लेकर मेक्सिको, मेक्सिको से फिर वो अमेरिका कूदते हैं। तो छोड़ो, जैसे भी आप पहुंच के एक बार यूएसए में एंटर करते हो ना, जब आप वो बॉर्डर कूद जाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, जो वहां पेट्रोलिंग वाले पुलिस के गार्ड होते हैं ना, आप अपने आप को वहां सरेंडर करते हो। सरेंडर करके फिर वो आपको लेके जाते हैं, आपके पास कोई कागज नहीं होते, ठीक है, आप वहीं फाड़ फूड के फेंक जाते हो, जो लोग करते हैं काम ये। उसके बाद वो आपको ले जाते हैं डिटेंशन सेंटर के अंदर, एक टाइप की जेल होती है। कईयों को भाई वापस डिपोर्ट करते हैं। कई न्यूके हैं कि भाई हमने बहुत खतरा है वहां ना, कि हम उल्टे जा नहीं सकते, कोई भी बहाना एक साइड कोई स्टोरी लेकर आ रहा, सारे अपने तैयार करके 2-3 महीने में ना, कई ने वर्क परमिट देगा, पापा पट्टे बांध गए कि इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा, छोड़ दे हो, देखा हो तुमने। कई जगह 8-8-9-9 महीने लग जाए, कई जगह साल लग जाए भाई उसके अंदर, ठीक है। तो कई भाई भीतर जेल में इतने बूंदे, कई रोए हैं, मतलब बहुत आंसू तो रोए रहे। कई मेरे जानकारी से हैं भाई, वे आए डंकी ला गए, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, 25-25 ट्रक जोड़ गए हुए हैं, लेकिन आज तक उनके कागज नहीं है उनके पास। तो कागज नहीं, इसका मतलब वो वहां अमेरिका में रहने का अधिकार है, है, लेकिन वो इंडिया वापस नहीं सकते। वे रोए हैं कि भाई तू मेरे ट्रक ले ले, पर हमने ना एक बार इंडिया जान दे, तरस है वे। लेकिन जो है ना भाई, दुख बहुत है, ठीक है, अपने जो है ना कागज पूरे कर तरीके ताओ तो ज्यादा फायदा रहेगा। जय बाबा की, राम राम।